साल की शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्मों का बोलबाला है। साउथ की फिल्में जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं, तो बॉलीवुड की फिल्मों को अपनी लागत निकालने में परेशानी हो रही है। मोहित सूरी के निर्देशन में बने एक विलन रिटर्न्स को इस हफ्ते बॉलीवुड की कोई भी फिल्म रिलीज न होने का थोड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन फिल्म अभी भी 40 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। मृणाल ठाकुर की सीतारामम फिल्म पैन इंडिया रिलीज हुई है। मृणाल ने साउथ में और दुलकर सलमान ने बॉलीवुड में इस फिल्म से कदम रखा है, लेकिन दर्शकों को लुभाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रही। 25 से 30 करोड़ रुपए की बजट में बनी इस फिल्म ने अभी तक 17.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। नंदमुरी कल्याण राम की बिंबिसार बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही है। फिल्म तेलुगु में ही रिलीज हुई है और मृणाल की पैन इंडिया फिल्म सीतारामम पर भारी पड़ रही है। शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से फिल्म ने सोमवार को 2.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ऐसे में फिल्म की अब तक की कुल कमाई 25.40 करोड़ रुपए हो गई। किच्चा सुदीप और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म विक्रांत रोड़ा बॉक्स ऑफिस पर ठीक प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को इसी हफ्ते रिलीज हुई दो फिल्मों से नुकसान हुआ। शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से सोमवार को फिल्म ने 1.11 करोड़ रुपए की कमाई की। ऐसे में फिल्म का कुल कलेक्शन 73.86 करोड़ रुपए है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में साउथ की 3 फिल्मों के साथ बॉलीवुड की एक फिल्म की भिड़ंत हो रही है। तेलुगु में रिलीज हुई जूनियर NTR के भाई की फिल्म बिंबिसार ने मृणाल और दुलकर सलमान की पैन इंडिया फिल्म सीताराम को पीछे छोड़ दिया है।